और प्रभु की स्तुति हो। सो अभी तक हमने पहला पत्रस खत्म किया, दूसरा पत्रस भी खत्म किया, आज हम शुरू करेंगे यूहन्ना की पहली पत्री। यूहन्ना की पहली पत्री का आज हम अध्ययन करेंगे और आज हम अध्याय एक देखेंगे और उसके बाद हम इस रीति से आगे बढ़ते जाएंगे। आमेन, हालेलुया। सो आप खोल सकते हैं पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय। अलग अलग अनुवादों में पढ़ूंगा आपके लिए ताकि हम और भी क्लियर क्रिस्टल समझ सके वचनों को। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा हमारे बीच में हमारी सहायता करे समझने के लिए। आइए हम शुरू करते हैं। उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, अर्थात यीशु को, ये यूहन्ना कह रहा है, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, मतलब इन अपनी गवाही दे रहा है। यूहन्ना अपनी गवाही दे रहा है कि वो जिंदा गवाह है यीशु मसीह का, और वो जो गवाही दे रहा है वो सच्ची है। सो कई बार ये कठिन हो जाता है जब झूठे शिक्षक आपके बीच में आते हैं और बहुत सी बातें गढ़ते हैं, तब मुझे लगता है कि यूहन्ना से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि उस समय वो जिंदा गवाह था और झूठे शिक्षक तो बाद में आए मसीह के विरोध में शिक्षा देने के लिए। लेकिन यूहन्ना यहाँ ये क्लियर कर रहा है कि अभी जो झूठे शिक्षक आए हैं तुम उनकी बात सुन रहे हो, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो उसके साथ था, जिसको मैंने अपने आंखों से देखा, उसको छुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो वो क्लियर कर रहा है इस पत्री में मसीह यीशु के विषय में, और जो वो कह रहा है उसके विषय में वो गवाही दे रहा है, क्लियर कर रहा है। आमेन। नाउ एक बात और मैं आपको बता दूं, इस पत्री का उद्देश्य जो है वो है ज्योति में चलना, लेकिन पूरी पत्री में जो है, क्योंकि उसका अगर हम उद्देश्य देखें तो हम सिर्फ एक चैप्टर का नहीं बोल सकता मैं आपको, लेकिन यूहन्ना की पहली पत्री का उद्देश्य जो है, उसमें से एक उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ। वो इसमें भी पत्रस, पहला पत्रस और दूसरा पत्रस में जैसे झूठे शिक्षकों के सिद्धांत के विषय में उजागर किया गया था, इसमें भी, इस पत्री में भी यूहन्ना झूठे शिक्षकों के शिक्षा का उजागर करेगा। तो इसमें ये बात भी शामिल है। तो जब यदि कोई लेखक ये कह रहा है कि भाई अपनी गवाही दे रहा है कि वो पत्री को क्यों लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, किसके विषय में जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, इसका मतलब है कुछ और बातें वहां पर हो रही है। तो इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, आप ऐसा पढ़े कि आप मानो वहां पर आई विटनेस थे, ऐसा पढ़िए, मानो ऐसा पढ़े कि पवित्र आत्मा आपको उस जगह पर लेकर जाए, वचनों की उस गहराई तक लेकर जाए, मानो कि आपने आंखों देखा, आप भी यूहन्ना के समान वहां पर थे। तो ये तब होता है जब हम आत्मा में बाइबल को पढ़ते हैं। सो पवित्र आत्मा इस लेवल में आपको लेकर जाए, इस रल्म में आपको लेकर जाए, ताकि आप वचन को मात्र से साधन रूप से नहीं, परंतु अद्भुत रीति से आप पढ़ सके, समझ सके। आमेन। सो प्रभु आप पर अनुग्रह करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। नेक्स्ट वचन, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, कौन, यीशु मसीह, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, कौन, यीशु मसीह। यारवी में क्या लिखा है, उस जीवन का ज्ञान हमें कराया गया, हमने उसे देखा, हम उसके साक्षी हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि वो गवाही दे रहा है, कौन, यूहन्ना, हम उसके साक्षी कह रहे हैं। यूहन्ना कह रहा है कि हम उसके साक्षी, किसके, यीशु मसीह के साक्षी हैं, और अब हम तुम्हें लोगों को उसी अनंत जीवन की उद्घोषणा कर रहे हैं जो हमने सुना, हालेलुया, जिसे हमने छुआ, जिसको हमने देखा, उसी की घोषणा कर रहे हैं जो पिता के साथ था और हमें जिसका बोध कराया गया या फिर प्रकट किया गया, उसकी गवाही हम देते हैं कि अनंत जीवन का समाचार या अनंत जीवन यही है जिसकी हम तुम्हें गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। ना बदिन, हमारे समाचार का विषय वही है जिसे हमने देखा और सुना, कौन, यीशु।
या हम तुम्हें भी सुना रहे हैं कि हमारे साथ तुम्हारी भी संगति हो। वास्तव में हमारी असंगति पिता और उनके पुत्र मसीह यीशु के साथ है, आमेन। और जिसकी संगति सहभागिता मसीह यीशु के साथ है, वो उसकी सहभागिता पिता के साथ है ना। एक अर्थ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक शब्द आया है, वो है सहभागिता। यूनानी में सहभागिता को बोला गया है कोइनोनिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है, आत्मिक अर्थ नहीं, शाब्दिक अर्थ है सबके पास होना। शाब्दिक अर्थ है सहभागिता का सबके पास होना। और अद्भुत बात क्या है इसमें, सहभागिता का अर्थ अगर हम आत्मिक रीति से देखें तो इसका मतलब है बांटना या शामिल होना। ध्यान दें, प्रेतों की प्रथम कलीसिया को हम देखते हैं अध्याय 2 में, या प्रेतों की पुस्तक 2 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर देखते हैं असल अर्थ अध्याय 2 में। प्रेरित अध्याय 2 में असल अर्थ देखते हैं सहभागिता का। सहभागिता का अर्थ सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है मिलकर, वचन सुनना नहीं है मिलकर, या यहां तक ये खत्म नहीं होता। मिलकर हमने तालियां बजा दी, गाना गाया, हमने आराधना किया, बस अपना अपना पेट भर के चले गए, ऐसा नहीं है। सहभागिता का अर्थ है बांटना, शामिल होना। हालेलुया। जैसे कि मसीह ने अपनी देह में हमें शामिल किया, आज हम मसीह की देह हैं। बांटना, इस बात पर गौर करें, सहभागिता का अर्थ है बांटना, आमीन। नाउ नेक्स्ट पदचार, हम इन बातों को तुम्हें इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। यही वह समाचार है जो हमने उनसे सुना और अब हम तुम्हें सुनाते हैं। परमेश्वर ज्योति है, अंधकार उनमें जरा से भी नहीं। हालेलुया। जो समाचार हमने उससे सुना, किससे? यीशु मसीह से सुना, वही समाचार या वही सुसमाचार हम तुम्हें सुनाते हैं, या वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है और उसमें शामिल होने वाले, सहभागी होने वाले अंधकार में नहीं जीते, ज्योति में चलते हैं। ज्योति का अर्थ आप इस तरह से लगा सकते हैं कि ज्योति को आप लगा सकते हैं सच्चाई, झूठ पर नहीं, सच्चाई पर, जो परमेश्वर के सत्य पर चलता है उसमें परमेश्वर की ज्योति। या ज्योति पर चलने का मतलब उसके अंदर बुराई नहीं है, झूठ नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर की ज्योति मतलब सच्चाई है जिसमें, और जिसमें परमेश्वर की सच्चाई है, सत्य पर चलता है, उसमें अंधकार वास नहीं कर सकता। और यदि आप झूठ बोलने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, जलन रखने वाले हैं, लोगों को क्षमा नहीं करने वाले हैं, तो अंधकार आपके जीवन में वास करेगा। यदि हम सच्चाई पर चलते हैं तो ज्योति प्रकट होगा। यदि हम सच्चाई पर नहीं चलते हैं, लेफ्ट राइट होते रहते हैं, तो अंधकार भी प्रकट होगा। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप किस पर चलते हैं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर बना रहे तो आपको चलना है। चलेंगे ज्योति प्रकट होगा, जैसा चलेंगे वैसे ही आपके जीवन से प्रकट होगा। आमेन। हालेलुया। सो परमेश्वर ज्योति, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम यह दावा करते हैं कि हमारी उनके साथ संगति है और फिर भी हम अंधकार में चलते हैं तो हम झूठे हैं और सच पर नहीं चलते। मुंह से बोलने वाले नहीं, साबित करके चलना है। साबित करके, बोल कर नहीं, साबित करके चलना है। जो कुछ आपके अंदर है वो प्रकट होना है, साबित होना है, दिखाई देना है। देखिए क्या बोला, देखिए ध्यान दें। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या कहा, जिसकी गवाही हम दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि यूहन्ना ने जो देखा मसीह में, वही वो उस बात को प्रकट कर रहा है।
यदि वैसा जीवन यूहन्ना का नहीं है तो वो गवाही नहीं दे सकता। तो जिसकी हम गवाही देते हैं, बोलते हैं, वो हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। बहुत से लोग सुसमाचार बांटते रहते हैं लेकिन उनके जीवन में सुसमाचार का फल ही नहीं है, सुसमाचार के अनुसार जीवन जीते नहीं है। दौड़ते रहते सुसमाचार देने में, बोलते रहते सुसमाचार, लेकिन उनके जीवन से प्रकट नहीं होता सुसमाचार, उनके जीवन से प्रकट नहीं होता ज्योति, उनके जीवन से प्रकट नहीं होता मसीह यीशु जिसके विषय में वो बोल रहा है। तो प्रकट होना है, प्रकट होना है। यदि यूहन्ना गवाही दे रहा है यीशु की, तो यीशु के समान यूहन्ना का जीवन है, जीवन था, इसलिए वो गवाही, इसलिए उसने गवाही दी। तो मेरा सवाल ये है, हमारे जीवन से क्या प्रकट हो रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, किसकी गवाही दिखाई दे रहा है? यदि हम कह रहे हैं हम तो संगति में है भाई, हम तो प्रार्थना में है, संगति में, उपवास में है, दान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अंधकार में जीवन जी रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन धोखा दे, अपने आप को धोखा देकर प्रार्थना कर रहे हैं। आपको लग रहा है ओ परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना सुन रहा है, बड़ी संगति, बड़ी दौड़ रहे हैं आप। यदि फल नहीं है, फल नहीं है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि फल दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, सुनिए, ऐसे पेड़ का क्या अर्थ जिसमें फल ही ना हो और सिर्फ हरा है पत्ता, पत्ते ही दिखाई दे रहे हैं लेकिन फल ही नहीं है, तो ऐसे पेड़ का क्या लाभ? आज बहुत सारे कलीसिया में पत्ते वाले ही हैं, सिर्फ हरे हरे पत्ते लेके घूम रहे हैं लेकिन फल नहीं है उनमें। अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्रभु की बहुत अच्छी बातें करते हैं, इतना अच्छा काउंसलिंग करें कि बस एक अभिषिक्त व्यक्ति भी फेल हो जाएगा, लेकिन फल नहीं है। अगला काउंसलिंग कर रहा है लेकिन फल नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? प्रभु की स्तुति हो। मैं बीते दिनों से लेकर अभी तक एक ही बात बार बार आपसे कह रहा हूं, फल दिखाई देना है, प्रमाणित जीवन जीना है, बात करने वाला जीवन है, प्रमाणित करने वाला जीवन। हालेलुया। आज सोचना है आपको, कहीं हम अपने आप को धोखा देने वाले हैं कि नहीं। ना वर्स 7, किंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जैसे वह स्वयं ज्योति में है, कौन अर्थात यीशु मसीह, तो हमारी संगति आपसी है और उनके पुत्र मसीह यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। ध्यान दें, किंतु यदि हम ज्योति में हैं, ध्यान देना, ज्योति में हैं जैसा वह ज्योति में है, कौन? परमेश्वर। तो हमारी संगति आपसी है, ध्यान देना, यदि हम ज्योति में चलते हैं जैसे वह स्वयं ज्योति में, कौन? परमेश्वर। तो हमारी संगति आपसी है, मतलब परमेश्वर के साथ हमारी संगति है, ठीक। यदि हम अपने आप को धोखा देते हैं, कह तो रहे हम ज्योति में लेकिन ज्योति में नहीं है, तो हम किसकी सहभागिता कर रहे हैं? मुंह से तो हम प्रभु की संगति कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो व्यक्ति शैतान के साथ संगति कर रहा है। ध्यान देना, ज्योति में चलने वाला परमेश्वर की संगति में है और अंधकार में चलने वाला शैतान की संगति में है। और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और चलता नहीं है, फल प्रकट नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है और ऐसी की संगति परमेश्वर के साथ नहीं। हाँ, मुंह से तो परमेश्वर के साथ है, बात में तो परमेश्वर के साथ है, लेकिन अंदर से व्यक्ति का जीवन जो है वो संगति शैतान के साथ है। अपने आप को धोखा ना दे। ना, जो लोग परमेश्वर की संगति में है, ध्यान देना, जो पिता परमेश्वर की संगति में, मसीह यीशु का लहू उन्हें प्रतिदिन शुद्ध करता है, शुद्ध करता है, शुद्धता में बढ़ता रहता है। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर की संगति में नहीं है, वो और भी ज्यादा पाप में, और भी गंदगी में, और भी कुकर्म में, और ज्यादा गिरता रहता है। वचन 7 क्या कहता है? ये पुराने नियम को दिखाता है, जो अज्ञात रूप से पाप करते थे,
जानबूझ कर दें, तब भी बलिदान था, अब भी बलिदान है। कौन? यदि आप ज्योति की संगति में, ज्योति में है, परमेश्वर की संगति में है, तो प्रभु यीशु का लहू आपको शुद्ध करता है। संगति में है तो शुद्ध करता है, संगति से बाहर नहीं। तो संगति जरूरी है शुद्धता में बने रहने के लिए, पवित्रता में बने रहने के लिए, और यीशु के लहू में बने रहने के लिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए संगति बहुत जरूरी है। यदि हम पापहीन होने का दावा करते हैं तो हमने स्वयं को धोखे में रखा है और सच हम में है ही नहीं। यदि हम कहते हैं कि हमें कोई पाप नहीं है तो हम स्वयं अपने आप को छल रहे हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज अपने आप को पापी कह के अंगीकार करते रहें बस कि भाई मैं तो पापी हूं, मुझसे ये गलती हो गई, मैं तो पापी हूं। मर जाएंगे कन्फेस करते करते ही। इसका मतलब ये क्या है? यहां पर घमंड से दावा करने वालों के लिए लिखा गया है, जो घमंड करते हैं, भाई हम तो बहुत पवित्र, हम तो ये है वो है, हम तो चलते हैं। इस पद का अर्थ है कि अपने आप को जांचते रहना है। समझे आप मेरी बात को? जांचते रहना है। अगर आप जांच में कोई गलती नहीं है, आपने पाप नहीं किया है, फिर भी रोज अपने आप को दोषारोपण नहीं करना है। गलती हो गई, ये गलती होगी, पाप हो गया जी, हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया, मैंने तो वो नहीं करना है। इस पद का मतलब है अपने आप को जांचते रहना है, हम सच्चाई में है कि नहीं, सहभागिता में है कि नहीं, जांचते रहना है, कहीं कोई क्रैक तो नहीं आ गया। जांचते रहने का अर्थ है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने तथा हमें सभी अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। कौन? हमारे प्रभु। नाउ लिसन, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, प्रभु के आगे पाप स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं किसी को। लेकिन यदि किसी ने अपने भाई के विरोध में, बहू के विरोध में, सास के विरोध में, ससुर के विरोध में, माँ बाप के विरोध में, पति पत्नी एक दूसरे के विरोध में पाप करते हैं, तब क्षमा नहीं मांगी जाती है, तब मुंह शर्म से नीचे हो जाता है। प्रभु के आगे तो बड़ा छाती चौड़ा करते हो, आगे बढ़ते हो, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई क्षमा कर दो, लेकिन अपनी पत्नी के विरोध में या पति के विरोध में कुछ बोल दिया हो तो तब मुंह से क्षमा नहीं निकलता है। तो कहने का मतलब प्रभु दिखता नहीं है इसलिए क्षमा मांगना बहुत आसान है, लेकिन जो दिखते हैं उनके आगे क्षमा मांगना कितना कठिन हो जाता है। हाँ, तो आप सोचिए कि आप कितना धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को। ओ प्रभु, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें, याकूब में लिखा है, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को स्वीकार करें, प्रभु क्षमा करता है। ध्यान दे, यदि हमारे भाई या परिवार का कोई भी सगा हो, संबंधी हो, उसके विरोध में यदि हमने कुछ बोला है, कुछ किया है, तो पहले जाओ उससे क्षमा मांगो, मेल मिलाप करो, फिर मेरे पास आना, अपना भेंट लेके आना। परमेश्वर ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में ना, प्रभु से क्षमा मांगने से पहले ये जांचने कि क्या किसी मनुष्य के विरोध में, कोई दुकानदार हो, सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, या फिर कोई भी अपना पत्नी हो, पति हो, सास हो, या फिर कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी इंसान प्रभु से क्षमा मांगने से पहले ये सोच ले कि प्रभु मैंने किसी के विरोध में कुछ बोला तो मैं जाकर क्षमा मांगूंगा, प्रभु मुझे क्षमा, तब जाके प्रभु को प्रभु मुझे क्षमा कर। कई बार हम लोग क्या करते, प्रभु मैंने उसको ये बोला, प्रभु मैंने उसको ये कह दिया, मैं क्षमा मांगता हूं। अरे भाई, वो आदमी जिंदा है, मरा नहीं है, जाकर उसे क्षमा मांगो पहले। मर गया तो फिर जाके प्रभु से बोलना, प्रभु मैंने उसके विरोध में तो गलत किया था, वो तो मर गया, मुझे क्षमा करना, वो जिंदा है। नम्र बना है, दीन करे प्रभु के आगे, तो दीन होना बहुत आसान है। मनुष्यों के आगे भी अपने आप को दीन करें, वो दीनता दिखा, प्रभु के आगे सारे दीनता दिखाते हैं हम लोग,
प्रभु के आगे सारा प्रेम दिखाते हैं, प्रभु के सामने तो क्या कहूं मतलब, तो जब मनुष्य की बारी आती है बस अपने असली रूप में आ जाते हैं हम। सो अपने वस्त्र को उतारो, ऐसे वस्त्र को जो कलंकित है, घमंड का वस्त्र, हिंसा का वस्त्र, विरोध का वस्त्र उतारो, प्रभु के वस्त्र को पहन लो, नम्रता का, दीनता का, एक भेड़ के समान, मेमने के समान। हालेलुया। तब प्रभु कहेगा ये मेरा चेला है, ये मेरा शिष्य है। प्रभु भी गर्व से कहेगा ये मेरा शिष्य है। आमेन। सो प्रभु आपको आशीष से। मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा हो गया आज, बट मैं विश्वास करता हूं कि आप हजम कर लेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। सो प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में हो, प्रभु की आत्मा आपके जीवन में बनी रहे। एक और बात मैं आपको कहता हूं, अंतिम बात, प्रभु हमारे भीतर है। सुनिए, प्रभु हमारे भीतर है, हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रभु वास करता है। ध्यान दे, प्रभु वास करता है, प्रभु हमारे अंदर है। इसलिए सोच विचार के, विचार करके जीवन जिए, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु हमारे अंदर है। Now let's pray. Father, once again, thank you in the name of Jesus. Hallelujah. प्रभु धन्यवाद आपका अनुग्रह। जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हैं, जितने भी लोग, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में हो, जो अनुग्रह अभी तक आपको मिला नहीं या फिर लॉस्ट हो गया या फिर कहीं कुछ कारणवश वो अनुग्रह से वंचित हो गए हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह की घोषणा आपके जीवन में करता हूं। परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में होगा, परमेश्वर का फेवर फिर से एक और बार आपके जीवन में होगा, यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मुड़ते हैं जो जीवन आप जी रहे हैं उससे। मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु का अनुग्रह आपको मिलेगा ही, आपके जीवन के हर एक भाग में परमेश्वर का अनुग्रह दिखेगा। परमेश्वर गिराने वाला नहीं, उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको पवित्र आत्मा और आग से अभिषेक करे, जैसा प्रेरित 10:38 में लिखा है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक करे, जैसा उसने यीशु नासरी को किया, वैसा ही आपको पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक करे। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। थैंक यू जीसस। प्रभु स्वपन और दर्शन के द्वारा आपसे बातें करें। प्रभु धन्यवाद, आपका अनुग्रह इन सबों के जीवन में बना रहे। धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से, आमेन। सो शालोम हर एक जन को। हम कल मिलते हैं फिर से 10 बजे। आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं और भी लोगों को जोड़ सकते हैं। सो प्रभु आप हर एक को आशीष दें। सो शालोम, शालोम।